वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन, दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का आप सबसे निवेदन है कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही बेलपत्री चतुर्दशी,